welcome back again to my another video. So happy Independence Day. I am proud to be an Indian and wish you all happy Independence Day. तो इस फ्रीडम में मैंने ये फ्रीडम ली, अपने मेकअप को क्रिएट किया है और बहुत प्यार से मैं रेडी हुई और मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इट्स मेकअप और मेरा स्किन केयर या फिर इंडिपेंडेंस डे के लिए जो मैं पैम्परिंग कर रही थी ये वो रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डू कमेंट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स बिगिन। मैंने ऑलरेडी ऑयलिंग कर ली है क्योंकि मैं कल हेयर वॉश करूँगी, तो स्किन केयर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ उपटन फेस वॉश, ये है गुड वाइब्स का। मैं इसका रिव्यू नहीं करने वाली अभी बिकॉज वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका रिव्यू किसी और वीडियो में कर लूँगी। सो फेस वॉश करते हैं। सो फेस को वेट करें और अच्छे से मसाज करें, स्पेशली आपका नोज एरिया, आपके हेयरलाइंस की तरफ इसे अच्छे से मसाज करें और 30 सेकेंड्स के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद में हम करेंगे फेस वॉश। सो फेस काफ़ी क्लीन हो चुका है और इसने जो मेरा नेचुरल ऑयल होता है फेस को उसको बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया है। मेरा फेस अब भी मॉइस्चराइज लग रहा है और काफ़ी स्मूथ लग रहा है। नाउ अप्लाई करेंगे हम उपटन का फेस स्क्रब। मैंने फेस को मतलब ड्राई नहीं किया है बिकॉज मैं वेट फेस पे इसे अप्लाई करूँगी। सो फेस आज सो सॉफ्ट और काफ़ी क्लीन हो चुका है। अभी स्क्रब किया है तो मुझे नोज़ के ब्लैकेट्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम एक पील ऑफ मास्क लगाएंगे मेरे नोज़ पर। सो पील ऑफ मास्क, ओह तो ये है मेरे पास ग्लो मास्क पील ऑफ, ये चारकोल का है जो ब्लैकेट्स को काफ़ी अच्छे से रिमूव करेगा। सो मैं फिंगर से इसे अप्लाई करती हूँ। इट्स लाइक अ मेल्टेड आइसक्रीम। सो बाकी के फेस में अप्लाई करेंगे उपटन का फेस मास्क। हो तो ये है मेरे पास अर्थ गुडनेस का उपटन पाउडर। आप इसको अगर आप चाहो तो एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगा सकते हो, मिल्क में लगा सकते हो, रोज वाटर में या नॉर्मल वाटर में भी, बट मैं इसे मिक्स करूँगी मिल्क बिकॉज मेरी स्किन को मिल्क बहुत ज़्यादा सूट करता है। सो हम इसे प्रिपरेशन करते हैं। सो ये है अर्थ गुडनेस का उपटन पाउडर, हम इसका 1 टीस्पून लेंगे। ओल्ड मिल्क है तो हम ये ऐड करेंगे। तो ये रेडी है हमारा उपटन मास्क। नाउ अप्लाई करेंगे हम हमारे फुल फेस पर। तो अब हम वेट करेंगे इसके ड्राई होने तक का और फिर मिलते हैं। सो माय फेस आर सो सॉफ्ट एंड यू कैन सी काफ़ी ग्लोइंग हो चुका है। नाउ अप्लाई करेंगे हम एक मार्कशीट, ये गुड वाइब्स की उपटन मार्कशीट। तो ये इंस्टेंटली ग्लो देता है। मैंने सोची थी कि इसको मैं मॉर्निंग में ट्राई करूँगी मेकअप से पहले, बट मुझे ये अभी लगाना ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभी मास्क अप्लाई करी थी, तो इसे लगाए अपने फेस पर। सो रेस्ट करें 15 से 20 मिनट और उसके बाद में इसे उतार दें। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे उतार दूंगी और हम मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट। सो मैंने फेस को वॉश किया है और टोनिंग भी कर ली है, अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। सो जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो है फेसेस कैनेडा का, इट्स अ हाइड्रेशन मॉइस्चराइज़र और इसमें 15 SPF भी है और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, इरिटेट नहीं करती आपको। सो मॉइस्चराइजिंग के बाद आपको 2 मिनट वेट करना है ताकि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, तब तक मैं अपनी कॉफ़ी बना लेती हूँ। सो ये कल लेफ्ट ओवर सीरम बचा हुआ है, ओवर यूज़ ना करें मार्कशीट के सीरम को। और इसे कितने वे में यूज़ करना है मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। हम इससे आई मास्क बना सकते हैं, लिप मास्क बना सकते हैं, डेली यूज़ में इसे क्रीम में मिला सकते हैं। तो मैं इसे अप्लाई करूँगी एज अ सीरम।
देखिए इसमें कितना सारा है। मॉइस्चराइजिंग के बाद हम सीरम अप्लाई करेंगे। सो नाउ अभी और 2 मिनट हम वेट करेंगे ताकि ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सो 2 मिनट में तो नहीं, बट मैं ट्राई करूँगी अपनी कॉफ़ी पी लूँ। बहुत गर्म है ये, ब्लैक कॉफ़ी मेरी एनर्जी बूस्टर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इन द मॉर्निंग, तो ये थोड़ा थोड़ा पीती हूँ मैं, तब तक मेरा टाइम भी हो जाएगा। मैं पहली हूँ जो मैं अपने वीडियो देखती हूँ। सो नाउ अभी अप्लाई करेंगे प्राइमर। ये मैं शुगर का प्राइमर ले रही हूँ। टारगेट करें अपना नोस एरिया, चिन एरिया, बहुत ही ब्लरी इफेक्ट मिलता है आपको इससे। सो नाउ इसको अप्लाई करने के बाद फिर हम 2 मिनट वेट करेंगे। अब आप सोचूंगी कि मैं 2-2 मिनट की वेट करवा रही हूँ। एक तो ये होता है कि आपका जो पहला स्टेप था वो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन में, और दूसरे स्टेप के लिए स्किन प्रिपेयर हो जाती है। सो वेट फॉर 2 मिनट्स। ना अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। दिस अ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, मेरा फेवरेट वन है। मैं बहुत ही कम से यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज मुझे बहुत ही लाइट कवरेज चाहिए। भी अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा सा अप्लाई करेंगे नेक पर। सो यूज करेंगे लूज पाउडर, मैं फिट मी का यूज कर रही हूँ। हम इसको कवर करेंगे इससे। सो नाउ अब हम करेंगे हमारे आई मेकअप, और ये पैलेट जो मैंने मंगाई थी मीशो से, हम एक लाइट शेड लेके अप्लाई करेंगे हमारी आई लीड पर एक अच्छा सा कवरेज देने के लिए। सो टाइम टू हैक ट्राई। ये एक आई शेडो वाला हैक था, मैं वो ट्राई कर रही हूँ एक अच्छी आई शेडो यानी पिगमेंटेशन के लिए। तो आप सेटिंग स्प्रे ले लें और आपका ब्रश ले लें, और आपका जो भी शेड आप पिक करने वाले हो आप वो यूज़ करें। मैं यहाँ पे ऑरेंज शेड ले रही हूँ। अच्छा, ये हैक ट्राई करने के बाद समझ में आया कि जो लाइनर है वो बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, तो मैंने क्या करी, मैंने दोनों आईज पे मेरे विंग्स बना ली, उसके बाद में एक ड्राई आई शेडो से उसी को सेट करी। उससे हुआ ये कि ये ड्राई भी हो गया और बहुत ही पिगमेंट हो गया, और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो गया था। यू कैन सी लाइनर लगाने के बाद आपको सिर्फ ड्राई आई शेडो को अप्लाई करना है, उसके ऊपर जस्ट पैट पैट करना है, वो अपने आप सूख भी जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा, काफ़ी पिगमेंटेशन लगेगा जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं अपने दोनों आई से पहले लाइनर बना लूँ। सो मुझे अभी इनर कॉर्नर पे ग्रीन लाइनर या ग्रीन आई शेडो जैसा चाहिए, तो यहाँ पर मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। ये ग्रीन कंसीलर है, आप इसे ले सिंपली, और आपकी जो नीचे की इनर लैश लाइन है आप वहाँ पे इसे कंसीलर जैसा लगाएं। अंदर की तरफ नहीं लगाना, बाहर की तरफ लगाना, बाद में हम इसे स्मच कर देंगे। यू कैन सी कुछ इस तरह से काफ़ी पिगमेंटेड हो रहा है। अब इसे भी हम सेट कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले मैं दोनों तरफ लाइनर बना लूँ। सो अब इसको सेट करने के लिए सिर्फ आपको ग्रीन आई शेडो लेना है और इसके ऊपर उसे टैप करना है, तो ये भी ड्राई हो जाएगा, पिगमेंटेशन लगेगा और लॉन्ग लास्टिंग का ये काम देगा। ये मैं जब बारिश से आई ना तभी मेरा आई शेडो निकल नहीं रहा था, और दोनों आप डिफरेंट देख लो, ये कितना अच्छा पिगमेंटेड दे रहा है। तो ऐसे करके मैंने अपना आई शेडो क्रिएट कर रही हूँ।
सो नाउ बहुत ही केयरफुली और बहुत ही स्लोली इसे स्मच करें। ये काजल नहीं है, ये आई शेडो और कंसीलर है, तो आपको बहुत ही हल्के हाथ से लगाना है ताकि ये काजल की तरह लगे। थोड़ा सा स्मच कर दे तो आपकी आँखें और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। सो इसे अप्लाई करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं से फैल गया है या एक्स्ट्रा लग गया है या फिर आई शेडो लग गया है कहीं पे, तो आप सिंपली इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। आपको लेना है एक ईयरबड, उसमें कंसीलर या फाउंडेशन लगाए, इस तरह से उसे एक्स्ट्रा लाइन को आप क्लियर करें और बाकी के जो आपको कंसीलर लगाए उसे टैप टैप करके आप स्मच कर दें, तो ये जो एक्स्ट्रा होगा वो भी निकल जाएगा और ये बाकी सब क्लीन करके आपके आईलाइनर को भी शार्प कर देता है। सो अगर आपको कंसीलर हैक के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना के रखा है कंसीलर हैक पर, आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, गो एंड चेक आउट, बहुत ही यूज़फुल हैक्स है। सो नाउ मैं लगाने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये सिल्वर जेली आई शेडो है, हम उसे मेरे आई कॉर्नर में लगाएंगे एक ज़्यादा अच्छे लुक के लिए। सो नाउ डेकोरेशन माई आईज़, तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टोन वाली बिंदी है तो मैं उसे यूज़ करूँगी, ये आँखों को और थोड़ा सा हाईलाइट करेंगी। बस इस टाइम पे मैं लगाने वाली हूँ मेरे जो आई कॉर्नर है जहाँ से मेरी विंग्स ख़त्म होती है मैं वहाँ पे लगाऊँगी। सो अब अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, मेरे पास ये रनवे की बहुत ही न्यूट शेड सी लिपस्टिक है, मैं इसे अप्लाई करूँगी। तो हम हमारी लिपस्टिक से हमारे आउटलाइन को क्रिएट करेंगे एक ब्रश की हेल्प से, मैं इस तरह से एक ब्रश की हेल्प से लिपस्टिक को लेके जो मेरे लिप की आउटलाइन है मैं उसे बना रही हूँ। सो लिपस्टिक को हम एज अ ब्लश भी लगाएंगे मेरे चिक पे। सो नाउ अब मेरे पास है मैक का स्ट्रोक क्रीम, इसे मैं एज अ हाइलाइटर को यूज़ करूँगी। सो मैंने ये 3 शेड का दुपट्टा परचेज़ की थी अमेज़ॉन से, इसकी क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है, उसको आयरन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 250 रुपये का है ये, तो मैं इसे वेयर करने वाली हूँ इसके साथ। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। एक्चुअली मैं ज्वेलरीज वगैरह वेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज बारिश का टाइम है और मेरे लिए बहुत ही हेडेक हो जाएगा कि मैं अपने वाइट ड्रेस के साथ अपनी ज्वेलरी को भी हैंडल करूँ या मेंटेन करूँ, तो इतना ही काफ़ी है, बहुत ही सिंपल और सॉबर लुक। सो ये हमारी सोसाइटी में डेकोरेशन हुआ है, मैं नीचे उतरी थी तब मैं इसे शूट कर रही हूँ, और ये रही मैं, यानी कि मैं। Thank you.
दिखाओ बारिश हो रही है हमारी सोसाइटी में। नाम बोल रही मैं आप भी उठा सोगे एक घंटे पहले सो इस इंडिपेंडेंस डे में हमने बहुत ही इन्जॉय किया बारिश के साथ, और ये मॉर्निंग का हमारा स्नैक था यानी ब्रेकफास्ट सोसाइटी वालों के लिए, तो काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा। सो मुझे नए वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।